Asane! Asane! Please help. Love you, sir. Love you too, जी. आज मैंने कुछ टॉपिक ऐसा सोचा है जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए काफी रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं. तो इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट इसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कभी भी कोई डीपली नहीं जाता इस टॉपिक के अंदर कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है. दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज बीइंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. पॉजिटिव एटीट्यूड इज कि हम अंदर से खुश रहे. यस सर. क्या उसका कोई रीजन होना जरूरी है या बिना किसी रीजन के हम खुश हो जाए? कितने कहते हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और कितने कहते हैं बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए. तो इसका मतलब हमें कुछ भी ढंग का करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली लेजी हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन अंदर से खुश हो, वो बेटर है? या फिर आप जिम गए, वर्कआउट किया, या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट किया, फिर खुश हो, वो बेटर है? हाँ, एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोगों के लिए? पढ़ना. ठीक है, तो एक है बिना पढ़े आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है, तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले तो दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिल जाए. दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा. बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा. इनको माइक दे दो. सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, बट सर जैसे अब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में, मेरे को पता है वो काम ज़रूरी है, बट सर मेरे को कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा, वो रीज़न कैसे ढूंढा जाए? अब ये बात आती है ना यहाँ पे. अरे अभी आपने कहा कि मैं काम करने जा रहा हूँ जो काम करना ज़रूरी है, तो ये जो काम करना ज़रूरी है वही तो रीज़न है. सर बट उसके पीछे का ना कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, मैं वो क्यों कर रहा हूँ? नहीं नहीं, उसके पीछे की ज़रूरत क्या है? अगर कोई काम करना ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है तो खाना खाना ज़रूरी है, प्यास लगी है तो पानी पीना ज़रूरी है, वो अपने आप में रीज़न है. उसके पीछे रीजन क्यों चाहिए आपको कि मुझे प्यास तो लगी है लेकिन पानी पीना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्यास लगी है. पढ़ना जरूरी क्यों है? नंबर के लिए. नंबर क्यों चाहिए? सर कॉलेज में एडमिशन मिले. कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए? जॉब चाहिए. जॉब क्यों करनी है? पैसे के लिए. पैसा क्यों चाहिए? खाने के लिए. पैसा खाओगे? जरूरतें पूरे करते. पैसा सिक्के भी खा जाऊंगा आज तो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा जो पैसा आ जाए मेरे पास. एक मिनट, तो आप कह रहे हो पैसा हमको चाहिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जो भी हमारी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए. नीड्स को पूरा करना क्यों जरूरी है? जीने के लिए. सिंपल है. अब इसके पीछे क्या रीजन है? जीना क्यों है? मर जा भाई. डू यू हैव अ चॉइस? इट इज चॉइसलेस. तो एंड में हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे कोई चॉइस नहीं है. जीना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं जीना चाहता हूं. ये सब किससे कनेक्ट हुआ जाकर के? पढ़ाई से. इसलिए पढ़ाई जरूरी है. सब जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो हमारे जरूरी तो है लाइफ में, लेकिन मान लीजिए हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर हमने कोई गोल लगाया है, वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? जैसे किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी एम्स का दिया, नीट का दिया, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग इसकी वजह से सुसाइड ये सब अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते? एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हम कोई एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या कि मेरा होगा? ये है पॉजिटिव एटीट्यूड. ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अलग है इस दुनिया की सोच से. आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो? कि बेटे पॉजिटिव सोच, तेरा होगा. क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? जा रहे होते हो किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल ऐसा माहौल होता है घर में जैसे कोई जंग के लिए जा रहा है, तिलक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जा विजयी भाव. ये सब किससे कनेक्टेड है कि आपका हो जाएगा? ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये फूलिश एटीट्यूड है. क्यों है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस.
नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी डीपली तो समझा ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, ना आपने ना आपके घर वालों ने। तो उन्होंने क्या आपके माइंड में डाल दिया, बेटा तेरा होगा, बेटा तेरा, शुभ शुभ बोल, जरा सा मुंह से भी निकल जाना कि मेरा नहीं हुआ तो, अरे नहीं बेटा तू क्यों नेगेटिव सोचता है, तू तो बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैं। शुभ शुभ बोल, होगा ना, होगा ना, होगा ना, माता रानी हमारे साथ है, ये भगवान हमारे साथ है, वो सारे भगवान सारे देवी देवता आपके साथ है, आप ही के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, है ना। सोचने वाली बात है वैसे, जो भगवान है वो आपके साथ है या बाकी भी जो दे रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि अगर उनके साथ है तो आपका नहीं होगा, कुछ का ही होगा ना। तो किसके साथ है, सबके साथ है तो सबका क्यों नहीं हो रहा। पहले इस एटीट्यूड में फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। आपने रिजल्ट के बेस पे अपने एटीट्यूड को डिफाइन कर दिया। अगर बार 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 अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो कुछ दिन तक अगर ये बोलते रहे ना, जैसे कुछ भी बकवास अगर आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा, तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत मजा आएगा या झटका लगेगा कि ये क्या हो गया। जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली उतना ही बड़ा झटका लगेगा। सही बात है या नहीं है? मतलब स्ट्रांगली मानने का मतलब क्या है, जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना ही बड़ा झटका, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। अब यहां पे क्या किया जाए, क्योंकि जो होना है या नहीं होना है क्या वो आपके हाथ में है? क्यों नहीं आपके हाथ में? आप कहते रहे नो सर, क्यों नहीं आपके हाथ में? जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल को मैंने उठाना है, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितना मेरे हाथ में है, मतलब इज इट 1%, 2%, 100%? गया बॉटल को उठाया, काम खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं एंट्रेंस में होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना। सोचो इसी बॉटल को उठाने के पीछे कॉम्पिटिशन होता, यहां पर अभी मैंने अकेले ने उठाया, लेकिन मैं आपके बीच में कॉम्पिटिशन करा दूं, जो भी आकर के सबसे पहले इस बॉटल को उठाएगा और अगले 5 मिनट बाद भी जिसके हाथ में बॉटल होगी उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। बोतल तो बचेगी, आप नहीं बचोगे। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम कॉम्पिटिशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया, जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो, इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर वन हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है, और ज्यादा डर डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0% हो, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। सर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूँ, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जिन्होंने पास्ट में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जा करके अगर हम सही से तैयारी करें तब उसकी क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हो, आपके जैसे और भी लोग हैं, बट ऐसे कितने होंगे। 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में, कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 1,00,000 लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहां पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 1,00,000 में से
20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस है उसको लेकर के, उस एंट्रेंस को लेकर के, बाकी 800,000 लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर रहे हैं। तो आप अगर सीरियस हो तो आप किस में आ गए? अब यहां पर क्या आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या एक्शंस के बेस? आप सीरियस हो इसका मतलब क्या, आपके एक्शंस कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। तो आप किस में आ गए? 200,000 में आ गए। 200,000 में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उसको क्रैक करने की। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोलते हैं हाँ है। जब भागेंगे तब तो पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपेरिजन टू अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 है जो सीरियस भी है जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं, यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिनका फोकस वन पॉइंटेड होगा, समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार है, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करने के लिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी, बिल्कुल ऐसा है किसी ओलंपिक्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है। एक तो है आप में कैपेबिलिटी है, आप सीरियस हो उससे जीत जाओगे? ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, दिन में कई कई घंटों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आप करने को तैयार हो तो अब आप किस में आ गए? अगेन 20% कर दो, कितना हुआ 40,000 का? 8,000 में आ गए। इसमें से कितनों का होने वाला है? 4,000 का होने वाला है। अब आपके जीतने के चांसेस क्या हैं? इसको क्रैक करने के चांसेस क्या हैं? 50%। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड है, आपका जो प्लान है वो इस पे बेस्ड है कि अगर मेरे को एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को 50% रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक इज 50%, और आपके घर वालों को भी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी बाद में झटका ना लगे। अभी भी 50% है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो ये सब करने वाले हो, आपके ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट अब आप बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अब आप में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है विच इज बेस्ड अपॉन जो आपने पास्ट में किया या जो अभी कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो अगले 2 साल तक, उसके बेस पे आपके अंदर से एक एटीट्यूड आ रहा है जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, दुनिया को ये नहीं दिखता है कि आप अकेले में क्या कर रहे हो। अकेले में क्या कर रहे हो तो किसी को नहीं दिखता है, अकेले में आप अपने कमरे में क्या करते हो तो किसी को नहीं पता है, और अगर किसी को दिख जाए तो, मतलब आप अपने घर वालों को तो कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ इतने घंटे उतने घंटे, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अगर मान लो वहाँ पे कोई कैमरा लग जाए और सब कुछ दिख जाए जो भी आप कर रहे हो, हार्ट फेल हो जाएगा माँ बाप का, ये कर रहा है, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सपने पिरोए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड।